नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का मेरा टॉपिक है कि FKH फ्यूचर कबड्डी हीरोज़ के माध्यम से आप डायरेक्ट प्रो कबड्डी में कैसे खेल सकते हैं। सो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। सो वीडियो पे अंत तक बने रहिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हों सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बात करेंगे फ्यूचर कबड्डी हीरोज में जाने के लिए आपकी एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो बेसिक आपकी एज 18 साल से 22 साल के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट, फ्यूचर कबड्डी हीरोज में कैसे जाते हैं और किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि इसमें किसी भी प्रकार के आपको कबड्डी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने आधार कार्ड और फोटो के साथ जा करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, जब भी कभी आप इस ट्रायल के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको किसी तरीके की कोई अमाउंट पे नहीं करना होता। यह ट्रायल बिल्कुल फ्री होता है और बेसिक अलग अलग टॉप सिटीज़ में ये ट्रायल लिए जाते हैं। और साथ ही एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि यदि आप किसी एक जगह ट्रायल दे करके आते हैं और आपका सिलेक्शन इन केस नहीं होता तो आप पुनः दूसरी जगह ट्रायल नहीं दे सकते। हर सिटी में ट्रायल लगभग 2 दिन के होते हैं और हर सिटी के ट्रायल की डेट अलग अलग होती है, और सिर्फ आप, जैसा कि मैंने बताया, कि किसी एक सिटी में ट्रायल दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जयपुर में ट्रायल दे दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप किसी अदर जगह पर जाकर ट्रायल नहीं दे सकते। एज के लिए पुनः मैं आपको कहना चाहूँगा, आपकी एज 18 से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रो कबड्डी में आने वाले खिलाड़ियों के लिए फ्यूचर कबड्डी हीरोज़ नामक कार्यक्रम की शुरुआत आपके 2017 में AKFI और मसाल स्पोर्ट्स ने लॉन्च किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18 से 22 साल एज होनी चाहिए। बेसिक इसमें राज्य कबड्डी फेडरेशन भी जोड़े गए हैं ताकि भविष्य में 18 से 22 साल के आने वाले सभी युवाओं को आगे आने का मौका दिया जाए। बेसिक चयनित खिलाड़ियों को उचित मापदंड और प्रो कबड्डी की उम्मीदों के अनुसार ट्रेनिंग देने का कार्य किया जाता है। इसमें सभी तरह के प्रोफेशनल दांव पेंच सिखाए जाते हैं। 5वें सीजन की बात कर लें तो इसके ज़रिए 133 खिलाड़ियों को नीलामी में शामिल किया गया था, जिसमें 55 खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा दिया गया था, या ये कह सकते हैं कि 55 प्लेयर को खरीदा गया था। बेसिक फ्यूचर कबड्डी हीरोज़ की कठोर शॉर्ट लिस्ट प्रक्रिया के बाद फेज़ 2 के लिए 200 से 220 खिलाड़ियों को चुना जाता है। इसके बाद फेज़ 3 के लिए 80 से 100 प्लेयर का सिलेक्शन किया जाता है। बेसिक 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के लिए उनको चुना जाता है और वहीं नीलामी का हिस्सा बनाया जाता है। नीलामी के दौरान स्पोर्ट्स के विशेषज्ञों और विभिन्न कोच मालिकों के द्वारा प्लेयरों का गेम देखकर और साथ ही टेक्निक और अनुभव के साथ फुर्ती और फिटनेस देखकर खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती है और उन्हें खरीदा जाता है। साथ ही टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ट्रेनिंग के लिए समय दिया जाता है। उस दौरान प्रोफेशनल एक्सपर्ट और कोच की मौजूदगी में अभ्यास कराया जाता है तथा सभी तरह की तैयारियों के बाद खिलाड़ियों को प्रो कबड्डी के मैदान पर उतारा जाता है। सो दोस्तों, यदि आप भी प्रो कबड्डी में जाने की इच्छा रखते हैं तो आप इस तरीके से बिना किसी सर्टिफिकेट के, बिना किसी एकेडमी के और बिना किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें बिना डायरेक्ट आप प्रो कबड्डी में जा सकते हैं। सो दोस्तों, यह चीज़ आप भली भांति जानते हैं कि किसी भी टूर्नामेंट के थ्रू और या
आप कॉलेज के थ्रू जब भी कभी प्रो कबड्डी में जाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है। तो बेसिक उसी तरीके से अगर आप बात करें फ्यूचर कबड्डी हीरोज़ की, तो इसमें बेसिक आपके लिए बहुत ही कठिन और कठोर प्रतिक्रियाओं के साथ गुजरना होता है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि मेरा वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो सो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा प्रो कबड्डी में जाने के ओवरऑल फॉर्मेट में आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा।